नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम नीलबड़ में चुनाव प्रचार एवं पैसा बांटने की सूचना के आरोप के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी। अछावर एसडीएम को फोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि सचिव भूपेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम नीलबड़ एवं उसके आसपास के एरिया में चुनाव प्रचार कर रहा है और कुछ पैसा बांटने की भी जानकारी मिली थी। इस आधार पर अछावर एसडीएम ने कार्यालय पंचायत के आदेश क्रमांक 1531 निर्वाचन 2022 इछावर दिनांक 11 जून 2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत इछावर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव अनुपस्थित पाए गए। इछावर एसडीएम द्वारा मोबाइल से 4 से 5 बार संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु सचिव के द्वारा फोन नहीं उठाया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, तथा इस संबंध में सचिव भूपेंद्र ठाकुर को स्पष्टीकरण तत्काल जवाब देने के आदेश का स्पष्टीकरण दिया गया। संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर स्थिति में आपके विरुद्ध पंचायत राज एवं ग्राम सरपंच की अधिनियम के तहत नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। 26 सचिव जिन्हें इछावर जनपद पंचायत में अटैचमेंट किया था, उसमें एक भी शामिल थे, परंतु यहां निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया। तत्काल फोन लगाकर बुलाया गया, क्योंकि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। हाँ जी सर, आज ये जो सचिव महोदय पकड़ा है, बता रहे थे रिश्वत वो पैसा बांटते हुए, तो क्या है मामला सर? जानकारी मिली थी, कुछ जानकारी फोन के माध्यम से मिली थी कि कोई सचिव है भूपेंद्र सिंह ठाकुर, ये नीलबड़ उसके आसपास के एरिया में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कुछ पैसा बांटने की भी जानकारी मिली थी। उस आधार पे ऐसे सभी सचिव, करीब 26 सचिव हैं जिनको कि जनपद पंचायत में अटैच किया है पहले से, उनमें से ये भी एक थे। तो मैंने रैंडमली इंस्पेक्शन किया, जनपद पंचायत में ये नहीं पाए गए, तो इनको तत्काल फ़ोन लगा करके बुलाया गया। और चूँकि इनके द्वारा संतोष पर जवाब अभी नहीं दिया गया है, हालांकि इसमें कारण बताओ सूचना पत्र इनको जारी किया गया है, जवाब लेंगे। जवाब लेने के बाद में यदि संतोषजनक जवाब नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार आचरण संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सर दोषी पाए जाते हैं तो अधिकतम कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, वो जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके मुताबिक कार्रवाई होगी। ठीक, थैंक यू सर। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।